पहुंचा ही कॉल्स और SMS रोकने के लिए टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी ट्राई ने टेलीकॉम कंपनियों को अनरजिस्टर्ड टेलीमार्केटिंग कंपनियों पर सख्ती करने के निर्देश दिए हैं। ट्राई ने कंपनियों को निजी नंबर से कॉल करने वाले टेलीमार्केटर्स पर भी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। एक सर्वे के मुताबिक हर 3 दिन में 2 भारतीयों को रोजाना 3 या इससे ज्यादा अनचाही कॉल्स आती हैं। उनमें से 50% का कहना है कि ऐसे कॉल लोगों के निजी नंबर से आते हैं। लेकिन अब ट्राई ने टेलीकॉम कंपनियों को टेलीमार्केटिंग कंपनियों पर सख्ती करने के निर्देश दिए हैं। निर्देशों के मुताबिक अनरजिस्टर्ड टेलीमार्केटिंग कंपनियों पर कार्रवाई की जाए, निजी नंबरों से मैसेज करने वाले टेलीमार्केटर्स पर भी कार्रवाई होगी। टेलीकॉम कंपनियां को SMS भेजने वाली टेलीमार्केटिंग कंपनियों को फिर से वेरीफाई करना होगा। टेलीमार्केटिंग कंपनियों के मैसेज हेडर का वेरिफिकेशन 30 दिनों में करना होगा। सभी टेलीकॉम कंपनियों को 30 दिन के अंदर निर्देशों का पालन करना होगा। उल्लंघन करने पर टेलीमार्केटिंग कंपनियों के खिलाफ मौजूदा कानून के हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। अनचाही कॉल से लोग किस कदर परेशान हैं, इसका खुलासा लोकल सर्कल के एक हालिया सर्वे में किया गया था। सर्वे में शामिल 45% लोगों को औसतन 3 से 5 परेशान करने वाली कॉल हर दिन आती है, जबकि 16% का दावा है कि उन्हें हर दिन 6 से 10 कॉल मिलती है। 5% लोगों का कहना है कि हर दिन 10 से ज्यादा परेशान करने वाले कॉल आते हैं। सर्वे में शामिल सभी 100% लोगों को नियमित तौर पर अनचाहे कॉल्स आते हैं। सर्वे में हर एक सेक्टर की तरफ से आने वाली अनचाही कॉल्स का भी विस्तार से जिक्र किया गया था। इसके मुताबिक 60% कॉल करने वाले वित्तीय सेवाओं की बिक्री से संबंधित कॉल्स करते हैं, 18% की प्रॉपर्टी बेचने से जुड़े कॉल्स मिलते हैं, जबकि 10% को नौकरी कमाई के मौकों की पेशकश से जुड़े कॉल्स मिलते हैं। सर्वे के मुताबिक ट्राई और ऑपरेटरों की कोशिशों का नतीजा नहीं निकलने से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। सर्वे में ट्राई के लिए पर्सनल फोन नंबरों से फ्रेस्की कॉल्स के तौर तरीकों की रूपरेखा दी गई है और वो चाहते हैं कि वो उनके खिलाफ सख्त कदम उठाए। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार।